हैव अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस यू अलोंग द एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना है आपको। तो लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्निफिकेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो है डीवी बाई डी यू। कंप्लीट फॉर्मूला भी हम निकालेंगे, ठीक है, कि ये आगे क्या बनता है पूरा फॉर्मूला, बट आपको मेन ये है डीवी बाई डी यू करना है, ठीक है। तो देखो, हमने हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, वन अपॉन एफ इजिकल टू क्या था, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा शिफ्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को थोड़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दी अपन ने। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, होगी नहीं होगी, येस और नो करना आप, है ना। अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि यू को चेंज करने पर वी में चेंज होगा, यू अगर मैं चेंज करूँ तो वी में भी चेंज होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यू जो है, यू में अगर आपने चेंज करा तो वी में भी चेंज होगा। तो हम ये करें कि भाई इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। तो डी बाय डी यू वन अपॉन एफ आ गया, ठीक है, देन डी बाय डी यू वन अपॉन यू आ गया यहाँ पे, देन प्लस डी बाय डी यू वन अपॉन बी आ गया। तो अपने माइंड से एक क्वेश्चन तो एलिमिनेट कर लेना, वो ये एलिमिनेट कर लेना कि सर यू के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करा। तो यू के रेस्पेक्ट में इसलिए डिफरेंशिएट करा कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही आपके हाथ में है, वही कर सकते हो आप। अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करा तो इमेज की पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी, है ना। तो इसलिए हमने यू के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा। देखो फोकल लेंथ जो होगी किसी भी मिरर की वो तो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। वन अपॉन एक्स से करोगे तो ये माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर यानी माइनस वन अपॉन यू का स्क्वायर, और यू के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कर देंगे माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास डी वी बाय डी यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अरेंज किया जाए तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास डी वी बाय डी यू, ठीक है, और इजिकल टू ये बन गया आपका वन अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना है डी वी बाई डी यू, क्योंकि वही अपना लेटरल मैग्निफिकेशन आ रहा है। तो डी वी बाई डी यू जो आएगा वो आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। आ रहा है समझ में? यह आ गया आपके पास माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। अभी आगे देखें थोड़ा और, इसका अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं, फैमिलियर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना आपको। तो आप जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो तो एफ अपॉन एफ माइनस यू होता है, होता है नहीं होता जो अब ये ध्यान रखना, ये लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ मैं आपको, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। ये अपन किसके लिए निकाल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है, ओके। और ये जो अपना फॉर्मूला है ये क्या होता है, एम इजिकल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो इसको रिप्लेस करके देखते हैं, देखो डी वी अपॉन डी यू इजिकल टू माइनस, माइनस तो बाहर है, ठीक है, और ये अपना हो गया वी अपॉन यू का, वी अपॉन यू का होल स्क्वायर। अब ये जो होता है ये तो माइनस वी अपॉन यू के बराबर होता है, होता है नहीं होता? ये जो वैल्यू है ये माइनस वी अपॉन यू के बराबर होती है। अगर इससे मैं वी अपॉन यू निकालूं, यहाँ से वी अपॉन यू फाइंड आउट किया जाए, तो ये माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये एफ अपॉन क्या बन जाएगा, यू माइनस एफ हो जाएगा। समझ में आई स्टेप? यहाँ से नेगेटिव माइनस कॉमन लिया और उस माइनस से इस माइनस को कट कर दिया तो वी अपॉन यू आ गया आपके पास। तो ये जो डी वी अपॉन सर यू है इसको अपन, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, इस डी वी अपॉन डी यू को मैंने कर दिया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख लेना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये माइनस आ गया और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, एफ डिवाइड बाय यू माइनस एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पूछा जाए लेटरल मैग्निफिकेशन, तो लेटरल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो तो आपके पास क्या आ गया, एफ अपॉन एफ माइनस यू होता है, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा माइनस एफ डिवाइड बाय यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब इसका बी पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है, तो ये डेरिवेशन ही है एक्चुअली दोनों, ठीक है। बी पार्ट ये कह रहे कि ऑल्सो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
हमने अभी तक जो स्टडी करा है वो पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये पढ़ा है हमने। और वो क्या होता है, डीवी बाय डीटी होता है, होता है नहीं होता। और हमने क्या स्टडी करा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, डी यू बाय डी टी होता है, होता है। स्टडी करा है ना अपन ने दोनों चीजें। तो ये कह रहे हैं कि ऑल्सो ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका रेशियो जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इसका रेशियो क्या होता है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा निकालना है कि यही टर्म्स यूज हो जाएं जो टर्म्स यहाँ पर यूज हो रही है। तो देखो आपको एक इक्वेशन, आप इसमें ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन लेते हैं अपन। इसको मैंने कैसे करें, इसको ए कर देता हूँ, इसको ए कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए में हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई डी वी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, डी वी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर, ठीक है। और ये डी यू हो गया, इनटू डी है ना। अब इसमें क्या है, डी टी का डिवाइड कर दो, यहाँ भी डी टी का डिवाइड कर दो, यहाँ भी डी टी का डिवाइड कर दो। अब देखो डी वी बाई डी टी तो क्या हो गया, वी आई एम हो गया, डी वी बाई डी टी तो क्या हो गया, वी आई एम हो गया। और डी यू बाई डी टी क्या हो गया, वी यू आई एम हो गया, तो ये वी यू आई एम हो गया। और यहाँ आपके पास बच रहा है माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर। अब ये टर्म आपने ऑलरेडी बना रखी है, देखो ये रही यहाँ पे माइनस वी बाय यू का होल स्क्वायर, ये तो बना रखी है ना आपने टर्म, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस, ये हो गया एफ डिवाइड बाय यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आपके आ जाएगी, ठीक है। तो एक आ जाएगा वी आई एम डिवाइड बाई माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, ऐसे ही आ गया आपके पास, ठीक है। सो एक्सप्रेशंस आ गए दोनों जो आपसे क्वेश्चन किए गए थे यहाँ पर। एक एक्सप्रेशन था ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और सेकेंड था द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाए। इसमें दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, प्लस की आएगी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इज शॉन इन द फिगर अ लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कर दिया। इज प्लेस्ड अलॉन्ग द ऑप्टिकल एक्सिस, अच्छा ए बी आप ए से बी ऐसे मेजर कर रहे हो, ए से बी इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि ये आपकी प्लस डायरेक्शन है, ये और ये भी ऊपर प्लस है, ये प्लस का वाई है, ये प्लस का एक्स है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई इट विल बी +5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ इज प्लेस अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, पॉइंट बी इज एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, बी के लिए दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज ऑफ ए बी। तो देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, आप ये ध्यान रखो कि ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो बना होता है वो बना होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके, ठीक है। यानी अगर आप बी जो पॉइंट, अगर आप बी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो और ए को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, और दोनों की इमेज लोकेट कर लो, यानी बी की इमेज लोकेट कर लो और ए की इमेज को लोकेट कर लो और उनको कनेक्ट कर दो, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा पूरा। तो आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे अगर हम इसमें सबसे पहले लें कि ए को अगर मैं लेट्स स्टार्ट विद ए, ए की इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। हम ये लिखते हैं कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज फॉर ए, ए को अपन ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। तो ए के लिए जो होगा, ए के लिए डिस्टेंस ए की कितनी हो जाएगी, पोल से, ये पोल है, तो 25 और +5 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर हो गया और ये -30 हो गया। फोकल लेंथ तो आप जानती हो +10 है, तो +10 सेंटीमीटर हो गया। इसको सॉल्व करके आप V1 निकाल लेना, V1 कितना आएगा, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही आप इसके बाद क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कि पोजीशन ऑफ इमेज, सर आपको V1 की वैल्यू बताऊं क्या? नहीं, कोई बात नहीं, इनको कैलकुलेट कर ले दो सबको, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो अपनी। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर बी, अब बी के लिए क्या लिखोगे, यू टू इज इक्वल टू, ये कितना है, -25 सेंटीमीटर,
सर वी ए और ठीक वी है, बी तो आ गई, अब और क्या एफ करना है? कितना सर करोगे? सर वी वन तो 10 सेंटीमीटर आएगा। और ये +10 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने वी वन से सॉल्व किया, कैलकुलेशन करा, सिंपल मिरर फॉर्मूला लगाना है, तो टेन कितना आ रहा है आपका सेंटीमीटर वी? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सर, आ रहा टेन है। सेंटीमीटर नहीं आ रहा, चेक कर लें, 30/4 10 सेंटीमीटर है आएगा या नहीं है। तो वन सर, अपॉन 30/4 V1 इज आएगा। इक्वल टू आ जाएगा 1/F - 1/V। सर सॉरी, 30/4 ठीक ठीक है। है, सर तो 1/F कितना है आपका? 10 है। आप टेक्स्ट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, चैट बॉक्स में मैं देख लूंगा। ठीक है, -1/U1, U1 कितना है आपका? -30। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम अगर लेते हैं, हम 30 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो 3 आ जाएगा, और 3 + 1, 3 + 1 मतलब 4/30, एंड 2 2 = 4। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा, यहाँ से हम देखेंगे तो V1 जो आएगा आपका 15/2 सेंटीमीटर है। भाई आप लोग भी अपनी कैलकुलेशन करते रहो, आप लोग भी अपनी कैलकुलेशन करते रहो। ठीक है, 15/2 का मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर, और प्लस का आ रहा है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ये किसको लोकेट करा आपने? ए को। तो हम ये कर देते कि भाई ये हमारा ए डैश, मान लो मैं इसको ए डैश कर देता हूँ, तो ये ए डैश जो है, ए डैश अपना यहाँ से कितने पर है? 7.5 सेंटीमीटर पर, ये 7.5 लिख। अब यहाँ से अपन 1/V2 करते हैं, तो 1/10 एंड -1/-25। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो, 25 × 10 कर देता हूँ, तो 10 × 10 कैंसिल, ये 25 हो जाएगा, और +10 आ जाएगा यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा आपका 35/25 × 10 आ जाएगा, ये आ रहा है 50/7। 50/7, तो 50, V2 यस इक्वल टू सर। आ जाएगा आपका 50/7, तो 50/7 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम सर फाइव करें, बाय सेवन क्या आंसर? 50/7 आया ना बेटा, 5 × 10 50, ना सही और इसको डेसिमल में है, सर लिखोगे तो फाइनल कितना हो आंसर। जाएगा? 7 7 जा, एक तो ये चला जाएगा, देन 7.1 कुछ आएगा इसमें। ठीक है, 7.1 सेंटीमीटर नो आएगा। सर, साइज ऑफ द इमेज क्या है? साइज ऑफ द इमेज आ रही है आपकी 5/14। ठीक है, तो वो भी कर देते हैं अपन, पर देखो ए डैश आ गया, और बी को अगर मैं लोकेट करूँ तो ये 7.1 समथिंग आ रहा है, यानी इस तरफ कहीं 7.5 तो ये है, और 7.1 आएगा तो इधर कहीं पे बी डैश आ जाएगा। सर मेरी आ गई 5/14। हाँ, वेरी गुड। तो कुछ नहीं करना आपको, साइज अगर अपन निकालें यहाँ पर, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज कितना होगा आपका? ए डैश बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ए डैश बी डैश का मतलब ये हो गया कि पोल से लेके ए डैश की जो डिस्टेंस है, पोल से लेके ए डैश की जो डिस्टेंस है, जो कितनी दे रखी है आपको, 15/2 है, और पोल से लेके बी डैश की जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको माइनस कर लो, यानी कि 15/2 को माइनस करूँ मैं 50/7 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लो आप, 15 × 7 कर दो यहाँ पर, तो ये 15 × 7 आ जाएगा, एंड -100। ठीक है, तो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखो आप कितना आंसर बन रहा। तो इसके सॉल्व करने के बाद फिर 5/14। ठीक है, तो ये आएगा आपका 5/14 सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से आपको सॉल्व करना।